हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कश्यप्स किचन चैनल में। आज की रेसिपी है साबूदाने की खीर। ये खीर बहुत टेस्टी, बिल्कुल रबड़ी जैसा बनाएंगे, लेकिन अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि ये काफ़ी जमी हुई सी बनती है और काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। तो इसे रिमूव करने के लिए एक सिंपल सा टिप है जो मैं आपको रेसिपी के दौरान दूँगी। इसके लिए रेसिपी को पूरा ज़रूर देखिए और पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। साबूदाने की खीर बनाने के लिए हमें आधा कप साबूदाना चाहिए, तो इसे सबसे पहले हम वॉश करेंगे। तो यहीं पे वो सिंपल सा टिप है जो आप फॉलो करेंगे तो आपकी खीर की कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बनेगी। तो साबूदाने में पानी डालने के बाद हमें इसे रब करते हुए धोना है, इस तरह से हथेलियों के बीच रब करेंगे ताकि इसके ऊपर जो स्टार्च रहता है वो पूरी तरह से निकल जाए। तो इस तरह से रब करेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना स्टार्च है इसके अंदर, ये देखिए। तो इसी तरह से हमें रब करते हुए इसे तब तक धोना है जब तक कि पानी पूरी तरह से साफ ना आए। तो ये प्रोसेस जब आप साबूदाने की खीर बनाते हैं तभी फॉलो कीजिए, अदरवाइज जब आप खिचड़ी प्रिपेयर करते हैं तो इतना रब करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें स्टार्च का यूज़ अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखिए, चार पानी से वॉश करने के बाद क्लीन पानी आ गया है, तो इसे अब सोक करेंगे 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटा हो गया है, हमारा साबूदाना काफ़ी फूल गया है, ये देखिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। तो 2 से 3 घंटे लगते हैं साबूदाना को सोख होने में। तो यहाँ पे साबूदाना अच्छी तरह से सोख्ड है पानी में। तो अब हम खीर बनाना शुरू करते हैं। तो खीर बनाने के लिए मैंने एक पैन में लगभग 4 कप के बराबर दूध लिया है, ये फुल क्रीम दूध है, इससे खीर बहुत अच्छी बनती है। और यहाँ पे हमने गैस का फ्लेम हाई रखा है ताकि इसमें एक बॉयल आ जाए, और बॉयल आने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये थोड़ी सी गाढ़ी हो। उसके बाद हम इसमें साबूदाना ऐड करेंगे जो हमने सोख करके रखा था। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, तो बीच बीच में चलाते हुए पकाइए ताकि ये नीचे चिपके ना। तो कम से कम 8 से 10 मिनट का समय लगेगा आपको इसे पकाने में, तब तक ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इतने में दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, तो आप यहाँ पर कंसिस्टेंसी देख सकते हैं और साबूदाना भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुका है, पक गया है। तो जब हमारा साबूदाना पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाए, पक जाए, उसके बाद ही हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अगर आप चीनी पहले ऐड कर देते हैं तो साबूदाना कच्चा रह जाएगा, फिर वो पकेगा ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून के करीब चीनी ऐड किया है। अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कीजिए, जो भी आपको पसंद हो, या फिर आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं, तब भी ये बहुत टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने काजू, थोड़ा सा बादाम और थोड़ा सा किशमिश ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें नारियल भी ऐड कर सकते हैं, अखरोट भी बहुत अच्छा लगता है। अब फ्लेवर के लिए इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर, और सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए अब हमें इसे फिर से 10 मिनट के लिए पकाना है। तो ये ज़रूर कीजिएगा, इससे खीर की कंसिस्टेंसी और टेस्ट बहुत ही निखर के आता है। तो चीनी और बाकी चीज़ें ऐड करने के बाद इसे कम से कम 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम के बीच पकाइए, बीच बीच में चलाते हुए। तो यहाँ पर देखिए, लगभग 10 मिनट के बाद हमारी खीर की कंसिस्टेंसी इस तरह से होगी, बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि जैसे ही आप गैस का फ्लेम ऑफ़ करेंगे और 5 मिनट के बाद ही आप देखेंगे कि आपकी खीर काफ़ी अच्छी गाढ़ी हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिए, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट है इसकी कंसिस्टेंसी, आप देख सकते हैं। तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे सर्व करते हैं। तो इसे आप ठंडा करके भी सर्व कर सकते हैं या गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से इसे सर्व कीजिए। तो यहाँ पर आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी है, गाढ़ी है और पूरी तरह से साबूदाना पका हुआ है। तो इस टिप को फॉलो करने के बाद इस खीर को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं पिस्ता के साथ, ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो कीजिए। इस रेसिपी को बिल्कुल इसी तरह से ट्राई कीजिए, अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलिए। इस रेसिपी का इन्ग्रीडियंट्स लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। मेरी नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।